नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार रिकवरी आते हुए दिख रही है और निफ्टी डेज हाई के पास पहुंच रहा है और बैंक निफ्टी तो मतलब रॉकेट हो गया है आज। एक्चुअली में मैंने आप सभी के साथ टेलीग्राम पे कोई कॉल शेयर तो नहीं करी आज, क्योंकि मैंने खुद ट्रेड करा था, तो कहीं ना कहीं वैसे तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं मैं, बट फिर भी जब हम खुद ट्रेड करते हैं तो किसी को नहीं करवा सकते, वो मैनिपुलेशन का रोल जाता है, बट ऐसा 5-7 पॉइंट के लिए करता हूं मैं। तो निफ्टी में तो लॉस हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में बढ़िया मुनाफा बना, एट द एंड मुनाफे में निकले। बट कल से मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली टेलीग्राम पे कॉल शेयर करूंगा, क्योंकि अभी मैं अपना ट्रेडिंग रोकता हूं, तो आपके साथ कल से शुरू करेंगे। जिसको भी जुड़ना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। एंड जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बता दूं, कल ही हमारी लास्ट कॉल आई थी वैसे तो आरती इंडस्ट्रीज पे, तो वो बढ़िया कर रही है, कोई इशू नहीं है। बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। मैंने जैसा कि बोला कि ट्रेड किया था और बुक भी कर लिया है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 43600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसको बैंक निफ्टी ने एक सरप्राइज दिया और वहां तुरंत जाके खड़ा हो गया। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या होती है, देखिए मैं हमेशा बता रहा हूं, आप कभी भी ट्रेड करो तो नोटिस करना, अगर किसी लेवल से मान के चलो यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है ऊपर नीचे और एक शार्प तेजी बनती है, ठीक है जी, उस शार्प तेजी का ये जो लेवल है ना, यहां तक तेजी बन गई शार्प, उसके बाद हल्का ऐसे ऐसे जिगजैग कर रहा है, तो उस जिगजैग के बाद जो तेजी निकले ना वो बहुत स्ट्रांग होती है और वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली होती है। वन साइडेड रॉकेट हो जाए तो फिर ना ले नहीं पाते, लोगों को मौका नहीं मिलता निकलने का भी और खरीदने का भी, वो मेरे को उतनी कॉन्फिडेंस नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या हुआ, निफ्टी 43400 से भागा 43600 तक, जो इंपॉर्टेंट लेवल था। 600 तक भागने का तो उसने 5-7 मिनट 10-15 मिनट बिताए, 15 मिनट ऑलमोस्ट इसने बिताया 610 से लेकर 590 की रेंज में कंसोलिडेशन हुआ। तो जिसने नीचे लिया था, जिसने सोचा ये ब्रेकआउट है नहीं पार होगा बुक करो, उसने बुक करा, जिसको लगा यहां से भागे उसने खरीदा, एट द एंड भागा मार्केट, तो अब वो सपोर्ट हो गया 580 का और ऊपर में टारगेट खुले हुए हैं। तो और अगर यहीं से सीधे क्या करता, 400 से सीधे 700 हो जाएगा, तो 600 से ऊपर 700 हो चुका है। अभी मेरे को स्टॉप लॉस 100 रुपए का दिख रहा है सीधे सीधे, तो वो मेरे लिए बहुत डीप होता, तो बहुत प्यारा बाजार था आज का। तो हमेशा याद रखना, कभी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे जिगजैग आए ना, तो उस इंपॉर्टेंट लेवल की अपने आप में वैल्यू बन जाती है। अभी यहां से जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ छोटे टाइम फ्रेम में, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। और अभी निफ्टी 43700 के पार आते हुए दिख रही है। लेवल्स की बात की जाए तो 700-750 तक के लेवल्स दिख रहे थे जो आ गए हैं। मेरे को लगता है अब यहां से कल ही देखा जाएगा, कल एक्सपायरी भी है तो मैं कैरी करता नहीं हूं कोई भी। मैंने आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर किया है कि मैं इंट्राडे मींस इंट्राडे ही है, वो अपना छोटा सा ही टारगेट रखता हूं और वो छोटा सा ही स्टॉप लॉस रखता हूं बस। मेरे को बिल्कुल लालच नहीं कि भैया वहां चला गया यार रोक लेता तो इतना हो जाता उतना हो जाता, ये करने में पैसा चला जाता है ज्यादातर। तो जो भी है, मार्केट बहुत ही प्यारा रहा और ओवरऑल अच्छा था, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहा। आपके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप ट्रेडर हो तो, कि वैसे तो करना नहीं चाहिए ट्रेड, ट्रेड में ज्यादातर लॉस होता है, ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है और डिसिप्लिन बहुत रिक्वायरमेंट होती है जो नहीं आ पाता है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर कभी करो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस रख लेना और इस तरीके के फ्लैग पैटर्न में लेना, यानी वन साइड तेजी फिर जिगजैग कंसोलिडेशन, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आप प्ले कर सकते हो, या फिर रेंज का जिगजैग का जो लो है उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन है, वरोक इंजीनियरिंग, सेक्स ऑफ न्यूलैंड लैब, किर्लोस्कर ब्रदर्स, जीनस, पीएनबी, रेडियंट कैश मैनेजमेंट, मोलटेक पैकेजिंग, एवर रेडी इंडस्ट्रीज, वीएसटी, ट्रिलर्स, वाइस्कॉन इंजीनियरिंग, एसपी अपीरियल्स, कोचिंग शिपयार्ड, अरविंद फैशन, एल्कम लैब, ट्रेंट, वीएस वर्धमान स्पेशल स्टील, अवंती फीड्स, ईस्टर इंडस्ट्रीज, एलेम्बिक फार्मा, विजय और डायग्नोस्टिक्स, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे हैं। रोलेक्स रिंग्स, जीएचसीएल, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग, शांगवी मूवर, कोप्रान, धानुका एग्रीटेक, हर्षा इंजीनियरिंग, नौकरी, उनो मिंडा, ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ। आप इनमें से किसी भी स्टॉक के डिटेल में रिजल्ट जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मार्केट की बात की जाए तो निफ्टी फ्लैट, बैंक निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स 81% ऊपर है और स्मॉल कैप में 1% की तेजी आ गई, ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव आया है। आज का एक आईपीओ था होनासा कंज्यूमर, यानी कि मामा अर्थ, और 4% 4.5% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, अच्छी ट्रेडिंग है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा अपने व्यूअर्स से कि नहीं करना चाहिए यार इसमें इन्वेस्ट, क्यों नहीं करना चाहिए, आप देखिए प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। ये वो कंपनी है जो लास्ट ईयर 24,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आ रही थी, अभी 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आई है, तो आप देखो एक साल में खुद 60,000 आपका 60% का शेयर टूटा है, शेयर नहीं टूटा, वो फालतू के वैल्यूएशन मांग रही थी कंपनी। अभी भी 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन क्यों मांगा पता नहीं, कंपनी के पास
ना एसेट ना कोई इतना बड़ा वैल्यूएशन लेने लायक पैसा, तो मेरे को नहीं लगता है इसमें निवेश करना चाहिए। बड़े बड़े लोग इसके जो खुद के प्रमोटर हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। शिल्पा शेट्टी जिन्होंने इस OFS में बिकवाली करी है लगभग 14 लाख शेयर्स की, उन्होंने पता है कितना पैसा बनाया? अपना 5 करोड़ का 45 लाख, 45 करोड़ कर लिया, 40 करोड़ का मुनाफा करके वो खुद निकल गई। तो उन्होंने बना लिया जिन्होंने बनाना था। अभी मुझे नहीं लगता लेना चाहिए, महंगा बहुत दिखता है, यहाँ से थोड़ा बहुत चल भी सकता है, लेकिन एट द एंड मार्केट जरूर से कहीं ना कहीं पनिश कर सकता है। बाकी आप खुद समझदार हो। ज्योति लैब अपने रिजल्ट्स के बाद 10% भागा, ट्रेंड अपने रिजल्ट्स के बाद एक बार फिर 8% भागा, BSE तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रत्नामणि मेटल आलोक इंडस्ट्री टॉप गेनर्स रहे आज के। अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो एक बार फिर एंजल वन टूटा, KEC इंटरनेशनल, मेट्रोपोलिस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अवंती फीड्स, ये टूटते हुए दिखे हैं आपको। निफ्टी की बात की जाए तो 27 शेयर्स पॉजिटिव है, 23 शेयर्स नेगेटिव है। ये मार्केट का आज का पूरा हाल था। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।